बुधवार को वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश के बीच बुलडोजर को लेकर छिड़े वाक युद्ध पर बोलते हुए कहा कि आज मैं माता कुष्मांडा देवी के मंदिर में आया हूं, इसलिए मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि योगी जी को इतना मजबूत करें माई, अन्याय के ऊपर उनका बुलडोजर चलता रहे, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता रहे। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर अन्याय के खिलाफ है, लेकिन अखिलेश जी को पता नहीं क्यों अत्याचारी और माफिया पसंद आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस बुलडोजर के भाव को समझो, कुछ लोगों के लिए बुलडोजर काफ़ी आवश्यक है। वहीं उन्होंने विनेश फोगाट पर भी बोला, उन्होंने कहा कि उनको यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उनकी प्रतिष्ठा को भुनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से समझौता कर लिया है जो कहते हैं कि 370 हम लोग पुनः लागू करेंगे। मंदिर में यही प्रार्थना करूंगा कि योगी जी को इतना मजबूत करें माई, मोदी जी को इतना मजबूत करें माई के अन्याय के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता रहे। ये बुलडोजर अन्याय के खिलाफ है। अखिलेश जी को पता नहीं क्यों अत्याचारी और माफिया पसंद आने लगते हैं। अखिलेश जी इस बुलडोजर के भाव को समझो, कुछ लोगों के लिए बुलडोजर बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उसकी प्रतिष्ठा को सिर्फ भुनाना चाहती है। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से समझौता कर लिया जो कहते हैं कि हम 370 फिर से लगाएंगे। क्या विनेश फोगाट फिर से 370 लगाना चाहती है, दलितों का अत्याचार खत्म करना चाहती है? कभी नहीं चाहेगी। तो इसलिए ये थोड़ा देर की बात है, सबको समय पे आ जाए।